जी सम्राट जी, मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त प्रधानमंत्री की दौड़ में है वह नीतीश कुमार भी नजर आते हैं। पहले तो आप ये पोस्ट देख लीजिए। इस पोस्ट के अंदर आप देखेंगे, यह है द टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स की खबर है। नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना होगा पूरा, जानिए कितने लोग मानते हैं। मजबूत चेहरा, यानी कि तमाम लोगों को प्रधानमंत्री की दौड़ में दिखा रहे हैं, पर क्या कारण है कि बहन जी के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, जबकि लोग ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिना बहन जी की ताकत के साथ में आए बिना कोई भी ना तो बीजेपी को हरा सकता है ना कोई बड़ा प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या कहना चाहेंगे अगर हम यहाँ पे नीतीश कुमार की बात करते हैं और बहन जी की बात करते हैं, तो क्या फर्क है, कौन सा मजबूत चेहरा है? नीतीश कुमार जी मजबूत हैं प्रधानमंत्री की दौड़ में, क्योंकि बिहार के अंदर भी वह एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं तमाम पार्टी संगठनों को, तीसरा मोर्चा भी लेकर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कौन सा बड़ा चेहरा अगर बहन जी का और नीतीश जी को कंपेरिजन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बहन जी का देश के किसी भी नेता से कोई कंपेरिजन नहीं है। बहन जी कुमारी मायावती मुद्दों की राजनीति करती हैं। आप नीतीश जी की बात करते हैं, नीतीश जी लंबे समय से बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वहां पर एजुकेशन का आप सिस्टम देख लीजिए, वहां एजुकेशन देश के सबसे पीछे स्तर पर एजुकेशन है। वहां पर आप रोजगार का देख लीजिए, रोजगार देश के सबसे नीचे का वहां पर स्तर है। आप लॉ एंड ऑर्डर का देख लीजिए, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। बिहार के साथियों से हमारी बात होती है, बिहार में जो जंगल राज है वो पूरे देश में कहीं भी नहीं है। जो जातिवाद है बिहार के अंदर वो पूरे देश में कहीं भी नहीं है। आप प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं, आप बिहार को तो अच्छी तरह चला नहीं पाए हैं। सपने तो सब लोग देखते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रधानमंत्री एक ऐसा नेता बनना चाहिए जो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को दे सकता है, जिसके अंदर पूरे देश के लोगों के लिए एक प्लान हो। वो उनके पास कोई प्लान नहीं है। उनकी जो पार्टी है वो बिहार तक सीमित है, और वो कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी आरजेडी में चले जाते हैं, कभी किसी दल में चले जाते हैं। अरे वो तो ऐसे नेता हैं कि वो तो मौका जैसे मिलता है उस हिसाब से वो काम करते हैं। अगर ऐसे लोग देश के प्रधानमंत्री अगर बना दिए जाएंगे, तो जैसा बिहार की स्थिति कर रखी है वैसे पूरे देश की स्थिति करने का काम करेंगे। बिहार के लोगों को अच्छी तरह पता है कि नीतीश कुमार जी बिहार में कैसा करते हैं, क्या काम करते हैं। जब बहन कुमारी मायावती से अगर बात की जाए, तो बहन कुमारी मायावती की जब सरकार थी 2007 में उत्तर प्रदेश के अंदर, 2007 से लेकर 2012 तक, तो बहन जी का शासन देखिए। बहन कुमारी मायावती ने जितना एजुकेशन पे काम किया, बहुत यूनिवर्सिटी बनाई, लगभग 6 यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया बहन कुमारी मायावती ने, और आज वो सारी यूनिवर्सिटी चल रही है। और बच्चियों के लिए अलग से उन्होंने बालिका इंटर कॉलेज खोलने का काम किया, और जो SC ST के बच्चे हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था की, IAS PCS बनने के लिए कोचिंग के लिए व्यवस्था की। और बहन कुमारी मायावती के राज्य में एकमात्र ऐसा राज्य था उत्तर प्रदेश जिसमें जीरो बैलेंस पर एडमिशन हुआ करते थे। ये एजुकेशन का मॉडल था बहन कुमारी मायावती का। अब रोजगार की बात लीजिए, बहन कुमारी मायावती ने अपने शासन में सारे लोगों को, सारे जातियों के लोगों को, सारे धर्मों के लोगों को रोजगार देने का काम किया। और बहन कुमारी मायावती ने पहली बार देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर में भी, जहां ठेकेदारी थी वहां पर भी रिजर्वेशन करने का काम किया। ये बहन कुमारी मायावती का मॉडल था। और लॉ एंड ऑर्डर में देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर में तो बहन कुमारी मायावती का जब शासन था, तो लॉ एंड ऑर्डर में किसी की ये मजाल नहीं थी कि कोई दंगा कर सके या कोई कोई भी अपराध कर सके। और बहन कुमारी मायावती की पहली सरकार जब बनी थी, तो बहन कुमारी मायावती ने 1,48,45,000 लोगों को जेल में डालने का काम किया था। गुंडे डरते थे, गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग भाग चुके थे। और फिर आप देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहन कुमारी मायावती ने बनाया, कि जो यमुना एक्सप्रेस वे है किसने बनाया, बहन कुमारी मायावती ने बनाया, उसके बाद सब लोगों ने बनाया। अच्छे अच्छे जो काम बहन कुमारी मायावती ने किए थे, आज तक देश की आजादी के बाद किसी भी राज्य में किसी नेता ने नहीं करे। बहन कुमारी मायावती की सोच गरीबों के साथ है, महिलाओं के साथ है। जो महिला सुरक्षा पर बहन कुमारी मायावती की सरकार ने, बहुजन समाज पार्टी ने काम किया था, वो किसी नेता ने काम नहीं किया। आप कंपेयर भी करेंगे तो बहन कुमारी मायावती का कंपेयर किसी भी नेता से नहीं है, देश के नेता से। बहन कुमारी जी मायावती और बहुजन समाज पार्टी मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, हम संविधान को लागू करने की बात करते हैं, और ये लोग संविधान की हत्या करने का काम करते हैं। जिन गरीबों को शिक्षा, रोजगार और उनको स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, ये लोग उनको देने का काम नहीं करते हैं। अगर ये अपने राज्यों में अच्छा काम करते तो कई प्रधानमंत्री बनने का काम करते।
अरे जो अपने राज्य को सही नहीं बना सकता वो पूरे देश को कैसे सही बना पाएगा। ये झूठ की राजनीति करते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं, हम प्यार और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। हम इस देश के अंदर बुद्ध के दर्शन को लेके आना चाहते हैं, हम इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ एक विचारधारा से काम करते हैं जो मानसिक है, मनुवादी मानसिकता के विचारधारा से है। बहन कुमारी मायावती को कोई मीडिया दिखाने का काम नहीं करता है, हमारी पार्टी को कोई मीडिया दिखाने का काम नहीं करता है। धन्य है आप जैसे सोशल मीडिया के लोग जो हमारी बात को जन जन में पहुंचाने का काम करते हैं, हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर इस देश में सोशल मीडिया ना हो तो ये लोग ऐसा यहाँ पे आतंक मचा दें कि किसी को पता ना लगे। और जो बिहार में आपने देखा, राजस्थान में आपने देखा, जो हमारे लोगों पर कितना अत्याचार होता है, मूछों के नाम पर आज भी देश की आजादी के बाद कत्ल हो जाता है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। वो लोग कहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, अपने राज्य में तो वो लोगों को न्याय नहीं दे पाते हैं, अपने राज्य में तो लोगों को वो रोजगार नहीं दे पाते हैं, अपने राज्य में तो वो लोगों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और वो सपना देखते हैं देश के पार्लियामेंट में जाकर देश का प्रधानमंत्री बनना। इस देश में मात्र एक नेता बहन कुमारी मायावती ऐसी है जो देश का सही नेतृत्व कर सकती है। अगर ये मौका मिलता है बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी को तो देश का नक्शा चेंज हो जाएगा। देश में कोई धर्म के नाम पर कोई भी यहाँ पर अत्याचार नहीं होगा, धर्म के नाम पर शोषण नहीं होगा। जो बिल्डोजर की राजनीति ये लोग करते हैं, ऐसी कोई राजनीति होगी, न्याय का राज्य होगा और रूल ऑफ लॉ होगा और संविधान की बात होगी और देश में भाईचारे की बात होगी।